सो हाय गाइस, गुनु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं दही से मैंने छाछ बनाई है और उसका मैं रायता बनाने वाली हूँ। और ये मैंने आलू उबाल रखे हैं और मैं आलू का रायता बनाने वाली हूँ। और मैंने दही को छाछ बना दिया, जिसे मठा कहते हैं, और इसका हम रायता बनाने वाले हैं आज। और इसे हम अच्छे से चला लेंगे राई से, जिससे हमारा ये मठा और अच्छा हो जाए। और आप देख सकते हो इसमें बबल भी आ चुके हैं। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे दोनों हाथ से। तो फाइनली गाइस, अब देख रहे हो इसमें बबल आ चुके हैं और ये हमारा मठा तैयार हो चुका है। और हम आलू छील कर इसमें अच्छे से गार्निश करके डालेंगे। तो गाइस, आप देख रहे हो मैंने आलू कैसे गार्निश कर लिया। इसे मैंने इस पर घिसा है और इसे हमारा आलू, और मतलब अभी तो आलू बहुत गर्म है और बारीक हो जाएगा, जिससे हमारे रायते में अलग ही टेस्ट आएगा। तो गाइस, हमने आलू को घिस लिया है। ये ज़्यादा अच्छे से घिस नहीं पाया क्योंकि आलू बहुत गर्म था और कुछ तो टूट गए हैं, पर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप हाथ से भी मस कर इसको डाल सकते हो। और चलो हम इसे दही में डालते हैं। हमने जो छाछ बनाई है इसमें हम डाल देंगे इसे, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे हम दही में डाल देंगे जो हमारा बचा है ये थोड़ा सा। तो आप गाइस देख रहे हो हमारा आलू और छाछ मठा जो भी है मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें नमक, लाल मिर्ची पाउडर और जीरा डालेंगे इसमें हम भून कर, सिर्फ जीरा भून कर डालेंगे। तवा हमारा गर्म हो रहा है और इसमें हम जीरा भून लेंगे। जीरे को हम भून लेंगे, जीरा हमारा जब तक भूनते तो हम नमक और मिर्ची डाल लेते हैं। इसमें हम नमक डाल लेंगे जितना हमें चाहिए, आप चाहो तो इसमें काला नमक भी डाल सकते हो। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर डाल लेंगे जितना आपको चाहिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारा जीरा भून चुका है, अब इसे हम डाल लेंगे इसमें, थोड़ा और भून लेते हैं इसे। आप चाहो तो जीरा पीस कर भी डाल सकते हो, उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और हम जीरा डाल लेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। फाइनली हमारा रायता अब तैयार है। अब कुछ नहीं करना, अब आप इसे रोटी के साथ खाओ, पूड़ी के साथ खाओ। और गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर कर देना। फाइनली हमारा रायता रेडी हो चुका है और आप कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।